हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर, कि कैसे हम लोग थ्री डिजिट नंबर को आसानी से और एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। और इससे पहले हमने टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर को किए थे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दे दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक, इसका हम लोग आंसर। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इस पर एक लाइन में और इजी में मल्टीप्लाई इसका करेंगे। देखिए, पहले हमने इसको और इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, उस पर ये दो आया, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक। उसके बाद हम लोग ने इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इसको जोड़ाया, तो जोड़ने पर जो नंबर आएगा उस नंबर को फिर हम लोग सेकेंड इसमें लेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है कि तीसरे स्टेप में इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे करके और फिर तीनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसको फिर हम लोग यहाँ उठाएंगे, ठीक। अब चौथा स्टेप में फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच करना है और उसको ऐड कर देना है। ऐड करने पर जो नंबर आएगा उसको हम लोग यहाँ देंगे। और लास्ट जो सबसे सिंपल है, इस दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, एंड लिखने के बाद ये रहा आपका आंसर। सिर्फ यही इतना करना है, फाइव स्टेप। इस पांच स्टेप में आपको आपकी एक लाइन में तीन नंबर का, थ्री डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो आइए हम लोग और दो एग्जांपल इस पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। पहले इन दोनों नंबर को हम लोग गुणा करेंगे, तीन दोनों को गुणा करने पर छः आया, ठीक। फिर अब इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इस टू को इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स, इस टू को इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर, दोनों को ऐड कर देंगे तो टेन आया। अब टेन आया तो इस ज़ीरो को हम लोग यहाँ उतार देंगे और इस वन को कैरी कर लेंगे। अब तीसरा स्टेप, जैसे हम बताए थे पहले कि इस नंबर को इस नंबर से गुणा करना तो थ्री आएगा, फिर इस नंबर को इस नंबर से गुणा करना तो जोड़ना भी है तो प्लस फोर, ठीक। फिर इस नंबर को इस नंबर से गुणा करना तो फिर टू आएगा तो प्लस टू, तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे आया नाइन, और ये जो पहले हम लोग का उसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया अभी टेन। तो फिर हम लोग वही पहले इसको यहाँ लिखेंगे और इस वन को हम लोग कैरी कर लेंगे, तो इसको कैरी कर लेंगे। अब फोर्थ स्टेप, इस नंबर को इस नंबर से हम लोग गुणा करेंगे टू, फिर प्लस इस नंबर को इस नंबर से गुणा करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो टू, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो फोर, ये मेरे पास पहले से था तो मिला के फाइव हो गया, तो यहाँ पे हम लोग फाइव लिख दिए। अब लास्ट स्टेप, इन दोनों को सिंपल ऐड करेंगे क्योंकि कैरी करने के लिए तो हम लोग के पास कुछ है नहीं जिसको हम लोग ऐड करें, तो सिर्फ इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख देंगे वन, तो ये हमारा आ गया 15006 इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो पहले हम लोग फाइव को सिक्स से गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा तीस, जब थर्टी आएगा तो हम फिर वही थर्टी को यहाँ रख ज़ीरो रखेंगे और थ्री कैरी कर लेंगे, ठीक। तो मेरा थ्री कैरी हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्वेल्व प्लस 25, ये आपको हो गया 37। और ये जो थ्री हम लोग कैरी किए थे उसको इसमें ऐड करेंगे प्लस थ्री, तो ये हो गया 40। अब इस ज़ीरो को यहाँ हम लोग उतारेंगे और इस फोर को कैरी कर लेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप, टू को सिक्स से मल्टीप्लाई किए तो 12 प्लस, फिर टू को फाइव से मल्टीप्लाई किए तो 10, फिर प्लस और नेक्स्ट, फिर इस फाइव को इस टू से मल्टीप्लाई किए तो फिर 10, तो ये हो गया आपको 10, 10, 20 और 12, तो आपको 32 प्लस ये जो फोर कैरी किए थे इसको इसमें ऐड करेंगे तो 36 आया। तो इस सिक्स को फिर हम लोग यहाँ उतारेंगे और इस थ्री को कैरी कर लेंगे। फोर्थ स्टेप, इस टू को इस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर प्लस, फिर इस टू को इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो होगी आपको 14। अब जो ये 3 बचा था इसको हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो गया 17 आया, तो इसका भी 7 यहाँ लिखा जाएगा।
और ये 1 बच जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला बचा, इन दोनों को गुना करेंगे मल्टीप्लाई, तो आया 4। इस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो आया 5। ठीक, अब इसको यहाँ उतार देंगे तो ये आया 5, फिर 7600। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग ने देख लिया कि 3 डिजिट नंबर को किस तरह आसानी से और एक लाइन में 5 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक, सॉल्व करके दिखा दिए। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट में कर देना है। जिनका भी आंसर सही होगा उनका हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस करेंगे, तो आप लोग इसका आंसर जल्द से जल्द नीचे कमेंट में कर दें। तो आज हमने देखा कि 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे एक लाइन में होता है, शायद आप लोग सीख भी गए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।